आएंगे तो योगी जी ठीक जगह है। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9 और हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से हमारी ट्रेन है 9:30 बजे के आसपास। और फिर अर्ली मॉर्निंग नहीं 11-12 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे हरिद्वार। काफ़ी टाइम लग गया बड़े गैंग में इकट्ठा करने में, काफ़ी साल हो गए हम लोग ट्रेन का सफ़र नहीं किए हैं। थोड़ा थोड़ा करते बहुत सारा सामान हो गया हम लोग के पास अभी। और इस रेलवे स्टेशन के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज है, यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म में गिना जाता है। 1.35 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, 1.355 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हैं हम लोग, ऋषिकेश ऋषिकेश एक बिहारी सब पे भारी। और इस ट्रिप के लिए सभी लोगों ने खरीदा है नया नया ट्रैकिंग बैग, बहुत सारी परचेजिंग हुई है। लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। लोकेश वर्मा कहाँ से खेलते हो आप? अभी यूपी से खेल रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे हैं? अब कोई नहीं छूट रहा, सब लोग आ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, दोनों ज्यादा ही मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप कुछ बोलिए, आप एंटीसिपेट क्या कर रहे हैं? मैं कैमरे से बहुत घबराता हूँ, कैमरे के सामने इंटरव्यू देने के लिए है। इंटरव्यू देने की कोई इच्छा नहीं है। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? ये कह रहे साजन जी घर आए, योगी जी घर आए, वो कह रहे साजन जी घर आए। मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देता हूँ, हमारे साथ है बिहार के यहाँ जियो और बिहार के लाला भैया। पहले सुनो मतलब देखो भैया, 12 बजे तक जो है क्रिकेट खेलते हैं, रात में ट्रेन से घूमते हैं, उसके बाद बाइक लेके निकल जाते हैं, जब मर्जी जब ट्रेन में बैठ जाते हैं, कहीं बाइक में बैठ जाते हैं, समझ नहीं आ रहा ये सब सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि वो मोदी जी के 15 लाख इसीलिए नहीं आए थे, बैंक से आ गए, बैंक से डिस्पेंस नहीं हो रहा है। बैंक में रखे हुए, बैंक में रखे हुए मोदी जाते हैं जमा करने, ये लोग बोल देते लंच वहां। तो अभी हम लोग गोरखपुर से निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, रात के बज गए हैं 10 और हम लोग का जो टाइम शेड्यूल है ट्रेन का वो सुबह 11 बजे के आसपास है, 13 घंटे का रास्ता है। तो अभी हम लोग करते हैं पार्टी, करते हुए पहुंचेंगे। तो नो डाउट अभी सुविधाओं में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही रेलवे पे। अभी मेरी बगल की सीट में एक बंदे ने कंप्लेंट किया कि वहाँ पे चूहा है, और जो टीम है हाउसकीपिंग की टीम आई और वो फिर रेड किल वहाँ पे छिड़काव किया और पूरी साफ़ सफाई किया, तो वो बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये होता था कि अपने को समझ में नहीं आता फ़ोन कहाँ करें और फ़ोन पे रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था, लेकिन अभी ऐसा है कि लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो रात के बज गए हैं 12, आज बोलते हैं गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OD boy. Day we hustle, but the night we. OD boy. Know that they ride or die. I'm a OD boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. आ गए हैं यहाँ पे आज नजीबाबाद जंक्शन पे, पहली बार हमने जंक्शन नहीं है भाई, नजीबाबाद जंक्शन है भाई, जंक्शन है, मैं दिखाऊंगा आगे दिखाऊंगा जो भी है। 10 मार्च की सुबह है और ये अभी नजीबाबाद पहुँच चुके हैं, आधे घंटे से 45 मिनट लगने चाहिए हम लोग को हरिद्वार जाने में। आ गया है, भागो भागो, चलिए 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 भाई, अरे आ जाओ, शिवराज जल्दी आओ पकड़ लो। आएंगे तो योगी जी।
अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:22, मतलब कि लगभग 12:30 बजे हम लोग जो हैं वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जो है पीछे आगे चलने की तैयारी कर रहा है। अबे अरे भाई 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 भाई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत करो। लग गया 12:15 घंटे लगे गोरखपुर से बाई ट्रेन आने में हरिद्वार। तो आज का हम लोग का प्लान है कि हम लोग जाएंगे पहले हरि की पौड़ी, वहाँ पे स्नान करेंगे, कुछ होगा लंच ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे शिवपुरी की तरफ। हेलो, मिलेगा नहीं ना यार? तो दोस्तों ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे। स्टेशन के बाहर के कैंपस में जो है भगवान शिव की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हम लोग हैं अभी हरिद्वार शहर में और रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग शिवपुरी की तरफ से। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से शिवपुरी। ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और अभी जाने का टारगेट है शिवपुरी। 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा, पहले होटल जाएंगे थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके, फिर वापस आएंगे ऋषिकेश घूमने और हरिद्वार घूमने। मैं हूँ डॉन, डॉन अपने बड़े डॉन। हम लोग टेहरी गढ़वाल पहुंच चुके हैं, पूरा भगवा भय हो गया है फिर से, उत्तर प्रदेश देश और प्रदेश पूरा भगवा भय। राम को लाए हम, उनको लाएंगे, पूरे के पूरे रुझान आ गए हैं यूपी में बाबा हैं, और उत्तराखंड में भाजपा, और बाकी टोटल चार स्टेट में भाजपा है, और पंजाब में आप आ चुकी है। रोहित भाई, यहाँ पे टूरिस्ट किस टाइम पे ज्यादा आते हैं, समर में विंटर में? कौन ज्यादा चोरी चोरा हाल सर? डिपेंड करता है कि चोरी चोरा में आधे का अंतर है, कौन कैसे मौसम में आना चाहता है। जैसे 3 मई से चारधाम यात्रा खुलने वाली है, ये चंद लाल है 3 मई से जी, तो 3 मई से तो यहाँ लगा लो आपकी चारधाम यात्रा का एक तरीके से भंडारा सा खुल जाता है। और कभी कभी गाड़ियाँ भी नहीं मिलती चारधाम जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी गाड़ी तो जा नहीं पाती होगी चारधाम। सब गाड़ी जाती है, सब गाड़ी जाती है, डिजायर भी, कौन है सेडान भी और एक्सयूवी भी सब जाते हैं। क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो रोड बहुत अच्छे हो चुके हैं और रेलवे का काम भी चल रहा है बहुत अच्छा। अच्छा, ये चार धाम यात्रा में पूरा टाइम कितना लगता है, जैसे गाड़ी से अगर कोई जा रहा है? चार धाम यात्रा 10 दिन में होती है सर, 10 दिन में कवर होती है। चारों धाम इधर ही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बढ़िया। 10 दिन में आप कवर कर लो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में रोहित भाई का नंबर डाल दूंगा, अगर आप इधर आ रहे हैं हरिद्वार आ रहे हैं ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको फैसिलिटेट कर देंगे रोहित भाई। तो अभी हम लोग जिस सफर पे निकले हैं, ये सफर है हरिद्वार से ऋषिकेश का, 30 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, और इसको कवर करने में बहुत कम समय लगता है, 30 से 40 मिनट में आप ये सफर तय कर लेते हैं। रास्ते में कहीं कोई आपको गड्ढे या पैचेज नहीं मिलने वाले हैं, सफर आपका काफी सुहाना होने वाला है, रास्ते में आपको हसीन वादियां देखने को मिलेंगी। साथ में इस रास्ते के बगल में आपको पूरे रास्ते जो है गंगा रिवर देखने को मिलेगी। जो लोग शिवपुरी या उसके ऊपर से राफ्टिंग करते हुए आते हैं, यहाँ से आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं, और इस देवभूमि को आप महसूस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अभी जो मेरे बगल में आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये सिंगल लेन का ब्रिज है, 2017 के पहले इसी ब्रिज से काम चलता था, मतलब एक तरफ की जब गाड़ियां आती थी तो दूसरी तरफ की गाड़ियां रुकी रहती थी। और 2 बज गया है, जल्दी से चलते हैं रूम में, निकलते हैं अपने आगे के सफर पे। कौन सा सुनू